सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल नोएडा रियल्टी। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज जो प्रोजेक्ट हम विजिट करने वाले हैं, दिस इज योर सिक्का कर्णम ग्रीन्स। लोकेशन की बात करें तो दिस इज इन सेक्टर 143B नोएडा एक्सप्रेसवे। करंट जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, दिस इज द करंट स्टेटस ऑफ द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट डिटेल की बात करें तो 12 एकड़ का प्रोजेक्ट है, 11 टावर्स हैं इसके अंदर, और टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स की बात करें तो 1123 यूनिट्स हैं। प्रोजेक्ट की प्लेसमेंट की बात करें तो दिस इज 3 साइड ओपन प्रोजेक्ट। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, दिस इज द करंट स्टेटस ऑफ द प्रोजेक्ट। नियर बाय मेट्रो स्टेशन की बात करें तो सेक्टर 143 और 142 मेट्रो स्टेशन दोनों ही वॉकिंग डिस्टेंस पर है। नियर बाय हॉस्पिटल की बात करें तो फेलिक्स हॉस्पिटल इज देयर, और स्कूल की बात करें तो श्रीराम मिलेनियम स्कूल इज देयर। प्रोजेक्ट ऑफरिंग की बात करें तो यहाँ पे आपको 2, 3, 4 BHK मिल जाते हैं अलॉन्ग विद द पेंट हाउस ऑप्शंस। सो जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन, दिस इज योर किड्स प्ले एरिया एंड योर पूल एरिया। प्रोजेक्ट की बात करें तो पार्शियली अंडर कंस्ट्रक्शन है, और वहीं आपको पार्शियली रेडी टू मूव यूनिट्स भी मिल जाएंगी। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द एक्चुअल फ्लैट। जैसा कि हमने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था, हम एक 4 BHK प्लस सर्वेंट वेरियंट विजिट करने वाले हैं, जो कि 1920 स्क्वायर फीट में डिजाइंड है। सो एज वी एंटर द अपार्टमेंट, 11x16.5 अप्रॉक्स का आपको ड्रॉइंग एरिया मिल जाता है। ड्रॉइंग एरिया में आपको एक कनेक्टेड बालकनी मिल जाती है अलॉन्ग विद द सेम, दिस इज योर डाइनिंग एरिया। 11x9x93 का डायमेंशन है इसका। दिस इज योर किचन एरिया, 10x9 के अप्रॉक्स का डायमेंशन है इसका। दिस कम्स विद द यूटिलिटी बालकनी। जो यूटिलिटी बालकनी अभी हमने आपको दिखाई, दिस इज कनेक्टेड विद योर सर्वेंट बेडरूम। सो नाउ मूविंग फर्दर, दिस इज योर कॉमन वॉशरूम, 7x6x5 का डायमेंशन है इसका। तो स्टार्टिंग विद द फोर्थ बेडरूम ऑफ द अपार्टमेंट, 11x11x10 का डायमेंशन है इसका। जो बालकनी आप देख रहे हैं, दिस इज योर 5 feet वाइड बालकनी, दिस कनेक्ट यू विद द अदर बेडरूम। सो नाउ मूविंग टूवर्ड्स द सेकेंड बेडरूम ऑफ द अपार्टमेंट, 11x5x11.5 का डायमेंशन है इसका। दिस कम्स विद द कनेक्टेड वॉशरूम एंड द बालकनी दैट वॉज कनेक्टेड टू द प्रीवियस बेडरूम। वॉशरूम के डायमेंशन की बात करें तो 5x8 का डायमेंशन है इसका। और बालकनी के डायमेंशन की बात करें तो दिस इज ऑल्सो 5 feet वाइड बालकनी एंड द बालकनी दैट वॉज कनेक्टेड टू द प्रीवियस बेडरूम। सो नाउ मूविंग फर्दर टूवर्ड्स द थर्ड बेडरूम ऑफ द अपार्टमेंट, 11x12 का डायमेंशन है इसका। दिस ऑल्सो हैव अ कनेक्टेड वॉशरूम एंड द बालकनी। वॉशरूम के डायमेंशन की अगर हम बात करें तो सिमिलर 5x8 के डायमेंशन का वॉशरूम है ये। सो नाउ मूविंग टूवर्ड्स द फाइनल बेडरूम ऑफ द अपार्टमेंट, दैट इज योर मास्टर बेडरूम, 10.5x15.3 का डायमेंशन है इसका। दिस इज द वॉशरूम ऑफ द मास्टर बेडरूम, 4x11x8 का डायमेंशन है इसका। सो नाउ मूविंग टूवर्ड्स द सर्वेंट बेडरूम ऑफ द अपार्टमेंट, 7x3x8.2 का डायमेंशन है इसका। This does have a connected washroom. So, जो अपार्टमेंट अभी हमने आपको विजिट कराया, इसके प्राइस रेंज की अगर हम बात तो दिस स्टार्ट्स फ्रॉम 1.53 CR। सो वी होप आपको हमारा आज का वीडियो कंटेंट पसंद आया होगा। अगर आप एक अफोर्डेबल 4 BHK अपार्टमेंट देख रहे हैं नोएडा एक्सप्रेसवे पे, तो दिस कैन बी अ वायबल ऑप्शन। इनकेस आप सिक्का कर्णम ग्रीन्स के अदर वेरिएंट के बारे में जानना चाहते हैं या प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई और डिटेल चाहते हैं, तो आप हमें स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दी सेम, आप हमें कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं, वील बी रिवर्टिंग यू बैक। सो इनकेस आपको हमारा आज का वीडियो कंटेंट पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक करें। टिल देन स्टे ट्यून्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।